तारीख थी 5 दिसंबर, दोपहर के 1 बजे का वक्त था, जब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मैडी अपने घर पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान सुखदेव का एक करीबी नवीन शेखावत दो लोगों के साथ सुखदेव सिंह के घर पहुंचता है। नवीन सुखदेव का करीबी था तो बिना चेकिंग के ही तीनों लोग उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं जहाँ सुखदेव सिंह गोगा मैडी बैठे थे। चारों लोगों की बात शुरू होती है और अचानक सुखदेव का फोन बजता है। एक तरफ सुखदेव फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ बदमाश अपनी पिस्टल निकालते हैं और सुखदेव पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। 6 सेकंड में करीब 20 राउंड फायर किए जाते हैं, जिनमें से 17 गोली सुखदेव सिंह गोगा माड़ी को मारी जाती है। सुखदेव का बॉडीगार्ड जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसे भी गोली मार दी जाती है और जो नवीन शेखावत उन्हें मिलवाने लाता है उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। जाते जाते सुखदेव के सिर में एक बार वापस फिर से आकर गोली मारी जाती है और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सुखदेव सिंह की मौत हो जाती है। अस्पताल में सुखदेव को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये खबर राजस्थान में मानो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। राजपूत समाज के तमाम संगठन सड़कों पर उतर जाते हैं। उस वक्त एक सवाल सबकी जुबान पर था कि इस निर्मम हत्या के पीछे कौन है। तभी फेसबुक का एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें लिखा है, ये पोस्ट रोहित गोदारा कपूरी सर नाम के एक फेसबुक अकाउंट से किया गया है और इसमें लिखा है, राम राम सभी भाइयों, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगा माड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। और इतना ही नहीं, इस फेसबुक पोस्ट के साथ बहुत सारे हैशटैग भी दिए गए हैं, जैसे लॉरेंस हैशटैग बिश्नोई हैशटैग ग्रुप काला जठेरी काला राणा नरेश शेट्टी गोगीमान सचिन थापन। इस फेसबुक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी तो ली ही गई है, साथ ही धमकी भी दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये रोहित गोदारा है कौन जिसने ये पोस्ट किया है और जिसने सुखदेव को मौत के घाट उतारा और क्यों। दरअसल रोहित गोदारा 2010 से ही अपराध की दुनिया में एक्टिव है। वो अपराध का बेताज बादशाह बनना चाहता है, इसलिए ही उसने लॉरेंस बिश्नोई का हाथ थामा। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूनकरण का रहने वाला है। इस पर 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, फिरौती मांगना इसका प्रमुख काम बताया जाता है। रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। उस पर सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है। पिछले ही साल की बात है जब गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। राजू की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसने कहा था कि आनंद पाल सिंह और बलबीर बनूड़ा की मौत का बदला लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला कांड में भी इसका नाम सामने आया था। रोहित फिलहाल कनाडा में रहता है ऐसा बताया जाता है और बिश्नोई और बराड़ गैंग के लिए काम करता है। हालांकि पिछले साल तक ये देश में ही था, लेकिन पिछले ही साल ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया। इस पासपोर्ट में इसने अपना नाम पवन कुमार दिखाया था और फिर ये दुबई से कनाडा भाग गया। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है और इसकी तलाश लगातार जारी है। तो ये तो था रोहित गोदारा का आपराधिक इतिहास। अब देखिए सुखदेव सिंह गोगा माड़ी केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। एक बदमाश को मौके पर ही ढेर कर दिया गया था। रोहित फौजी और रोहित राठौर को अरेस्ट किया गया। दोनों ने रोहित गोदारा के इशारे पर घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज से हुई थी दोनों की पहचान। हालांकि पुलिस अभी भी छानबीन में लगी है कि रोहित गोदारा ने ये किसके इशारे पर हत्या की है, क्योंकि खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो तमाम राजपूत संगठन है उनकी तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस घटना का सीधे सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान के कहने पर ही ये हत्या करवाई गई है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई का भी पाकिस्तान कनेक्शन कई बार सामने आ चुका है और वहां से उसकी लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो अब देखना बेहद ही दिलचस्प है जांच चल रही है कि इसके तार दुबई से लेकर कनाडा या फिर पाकिस्तान इस हत्या के तार कहां तक जुड़ते हैं। सुखदेव सिंह गोगा माड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में पूरी तरीके से बंद का भी आह्वान किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं क्योंकि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर आगजनी, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव सिंह
गोगा माड़ी जो थे वो राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज की चिंता करते थे, उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो और जो कुछ भी हुआ है वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, गोल्डी बराड कनाडा में बैठा है और ये रोहित गोदारा में भी इसकी भी खबर ऐसी है कि ये भी कनाडा में ही है, लेकिन फिर भी इनका आतंक कायम है। जेल से बैठकर ही बिश्नोई सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, क्योंकि वो राजस्थान ही था जहाँ कन्हैया लाल को दिन दहाड़े गलत रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। क्या राजस्थान में आम आदमी से लेकर खास तक कोई भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है? लॉरेंस बिश्नोई जो कुछ कर रहा है उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।